हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सैयद हाशमी ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और इस टाइम मैं इसलिए उठ गया क्योंकि अभी कृतिका जा रही है अपने घर और फ्लाइट से जा रही है, तो जिसके कारण उसे ज़्यादा बैग लेके जा नहीं सकती है और उसे 2 महीना बाद फिर से यहाँ पर आना है, तो इसलिए वो आई है यहाँ पर अपना सामान रख के, फिर वो ओला लेके निकल जाएगी। तो ज़्यादा उसको वेट नहीं कराते, नीचे चलते हैं और वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं आप लोग से, अभी नीचे चलते हैं। तो सो चलते हैं अभी। जा भाई कृतिका, चली जा तू। लास्ट टाइम कृतिका ब्लॉग में आ गई, वो हमारा का क्या शिफ्ट, वो निकलेंगे तो वो बता देंगे। चल कृतिका, लास्ट टाइम सब्सक्राइबर लोग को बाय कर दे, बाय लाइक सब्सक्राइब। आ गया है, अब कृतिका निकलेगी। पहला कैंसिल हो गया तो बैठ गया। चल बाय कृतिका, एंजॉय कर लाइफ, नया जर्नी स्टार्ट हो गया। चल ठीक है, चल बाय 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 बाय। तो उसका सामान लेके आके मैं घर में रख दिया हूँ और पता नहीं क्या लेके आई है। 2 बैग और 1 बाल्टी है जिसमें उसका पिलो है, और दोनों बैग में पता नहीं कौन से हाथी का बच्चा बांध करके लेके आई है, पता नहीं। मेरे को इतना मैं ना 2 बैग लेके सेकंड फ्लोर में चढ़ाऊँ ना, मेरे को ही पता है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ओला ड्राइवर ने इस तरीका से बिहेवियर उनका था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कि बहुत ही वियर्ड यार। उसको जाना था या नहीं जाना था, वो आया क्यों? और जब कृतिका ने बोला कि वो एयरपोर्ट जा रही है, तो वो पूछ रहा है कि आप अकेले जा रही हो, मेरे को देख के बोल रहा है कि दोनों आप लोग साथ में जा रहे हो, फिर बोला कि आप अकेले जा रही हो, तो वो अजीब सा एक्सप्रेशन यार उसका, वो कॉल पर किसी के साथ था, तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा। तो कृतिका ने बोला कि नहीं, मैंने बोला मत जा, कोई दूसरा कैब कर ले, उसे चली जा। तो कृतिका ने वहीं पर कैंसिल किया और दूसरा कैब लिया और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। तो यार गाइस, जितनी लड़कियां मेरा ये व्लॉग देख रही है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ इस तरीके से वियर्ड बिहेवियर अगर ओला ड्राइवर या उबेर ड्राइवर का देखे, तो आप वहीं पर राइड को अपना कैंसिल करो, दूसरा बुक करो, क्योंकि हर इंसान एक जैसे नहीं होते। और मैं ये भी नहीं बोल सकता यार, वो शायद किस मूड पे होगा या फिर क्या सोच रहा था वो उस वक्त, तो हम लोग वो भी किसी को जज भी नहीं कर सकते। बट लेकिन खुद का सेफ्टी साइड के लिए अगर कुछ आपको ऐसा वियर्ड बिहेवियर वाले ओला ड्राइवर मिले, तो तुरंत ही आप लोग वहाँ पर अपना ड्राइव को कैंसिल करो और दूसरा ड्राइव करो। 50 रुपये फाइन लगेगा, कोई बात नहीं यार, अपना सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। सो बी सेफ, और कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत कैंसिल कर देना, ठीक है? और ये नहीं कि लड़की लोग ही, अगर फैमिली के साथ भी अगर आप लोग जा रहे हो, तब भी अगर सोच रहे हो बहुत सारे लोग हैं साथ में तो कुछ नहीं होगा, चलो की कर लेते, फिर भी अगर कुछ ऐसा बिहेवियर किसी ओला ड्राइवर का दिखे या उबेर ड्राइवर का दिखे या फिर किसी टैक्सी ड्राइवर का दिखे, तो आप लोग वहीं पर कैंसिल करके कहीं दूसरा से लेके चले जाओ। और हाँ, अब मैं चलता हूँ, जाके नहा लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं और देखते हैं अब क्या करूँगा मैं, और मम्मी क्या करती होंगी, मम्मी से भी कॉल पर बात कर लेते हैं। मम्मी कोलकाता से अपना वीडियो शूट करके मेरे को सेंड करती हैं, मैं उसे अपने व्लॉग में ऐड कर देता हूँ। और मम्मी क्या है ना कि मम्मी अभी व्लॉगिंग में मम्मी नहीं है, और मम्मी बहुत अच्छा कर रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मम्मी भी प्रो हो जाएंगी व्लॉगिंग में, और मम्मी बहुत अच्छा तरीका से व्लॉग शूट करेंगी, शूट तो कर रही हैं, और आई रियली अप्रिशिएट बहुत अच्छा तरीका से शूट करी। मम्मी मेरे को फॉलो करती हैं कि मैं किस तरीका से शूट करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो जगह का मैं पहले शूट करता हूँ, फिर ट्रैवल करने का शूट करता हूँ, फिर जहाँ जाता हूँ वो जगह का शूट करता हूँ, और मम्मी वैसा ही कर रही हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी। और अगर आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और मैं वॉच टाइम कंप्लीट कराओ गाइस, कंप्लीट कराओ, प्लीज़ कंप्लीट कराओ, जिसके वजह से मेरा भी चैनल ग्रोथ हो।
सो वीडियो तो नीचे में टमाटर और प्याज वाले आए थे, तो उनके पास अमरूद था, वो मैं अमरूद आप लोगों को दिखाता हूँ। यार लाजवाब, ऐसा अमरूद आप कोलकाता में मिलता ही नहीं होगा फॉर श्योर। मैं खा रहा हूँ अमरूद, और ये अमरूद को देखो ना, ये बीच में ये अंदर से पिंक होता है, तो इसे काट के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये काटने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, मैं कोलकाता में ऐसा अमरूद कभी नहीं खाया। अभी शाम के बज रहे थे और मैं सोचा कि जाके छत पर चाय पीऊँ, क्योंकि यार बहुत दिन हो चुका है जब से मम्मी गई है ना, तब से छत में गया नहीं हूँ। तो आज चलते हैं और छत पर बैठ कर आराम से चाय पीते हैं सुकून के साथ। सो चाय तो बन गया, अब लेके चलते हैं। मैं छत आ गया है, मैं छत आ गया हूँ, और ये रहा मेरा चाय, और ये रहा वेदर। सो हमेशा की तरह वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी जब से गई है ना तब से मैं छत आया नहीं हूँ, तो ये मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। सो चलो यार फ्रेश हवा, और आगे चाय भी पी लेता हूँ। सो थोड़ा देर यहाँ बैठूँगा मैं, तब तक मैं चाय अपना इन्जॉय करता हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या आधा घंटा बैठने के बाद माइंड इतना फ्रेश हो गया ना छत पर आके ना, क्योंकि मैं क्या बताऊँ। तो अब चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं कि क्या करना है, और मम्मी अभी क्या कर रही हैं। शायद मम्मी कहीं जाने वाली हैं, मम्मी नहीं, शायद मेरी बहन कहीं जाने वाली है फ्रेंड लोग के साथ। तो चलिए आप वो तब जब तक देखें कि वो किस तरीक़े से इंजॉय कर रही है। और मम्मी फ़िलहाल अभी घर पर है, मम्मी बहुत ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे है घर पर। सो अब आप लोग देखिए कि मेरी सिस्टर क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है अपनी फ्रेंड लोग के साथ। तो वो जो उसने क्लिप मेरे को सेंड किया था, मैं इसे ऐड यहाँ पर कर दूँगा, तो आप लोग वो एंजॉय करें, फिर उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। हेलो गाइस, आज आ रहे हैं अपने मम्मी के यहाँ घूमने, और समझिन जा रही है अपनी फ्रेंड के साथ खाने, आप लोग आगे देखते रहिए। तो मेरी सिस्टर जा रही है गार्डन ऑफ ड्रीम्स, ये क्वेस्ट और हल्दीराम के बीच में पड़ता है, और बहुत ही सुंदर है जगह। तो जब मैं कोलकाता जाऊंगा तो यहाँ 100% फॉर श्योर जाऊंगा यार, काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर आप कोलकाता में रहते हो तो ज़रूर ये प्लेस को विज़िट करना, मस्त से यार, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है जैसे मेरी सिस्टर ने कहा। तो देखिए आगे। आई थिंक ये चिकन मलाई कबाब है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बाइक को इस तरीके से चिपका के यहाँ पर रख दिया गया है, चारों बाइक को। ये क्या तरीका है, ऐसे में तो दूसरा बाइक का इसमें लग जाएगा, फिर बोलेगा चोट लग गया। ये वाला बाइक को धोया था ना, बहुत दिनों बाद मैं अभी बाहर निकला हूँ रात को, क्योंकि कुछ सामान लाने जाना है। तो अभी चलिए चलते हैं, रास्ते में शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि दिक्कत हो जाता है ना, बाइक में बैठा रहता हूँ फिर उसके बाद शूट करूँ तो, और अंधेरा में कुछ नज़र नहीं आता है। तो आपको डायरेक्ट वापस आके मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ अदरक लहसुन प्याज और टमाटर लेने के लिए, क्योंकि आज चिकन बनेगा तो इसलिए आए हैं लेने के लिए। और टमाटर लेने में ना ऐसी दिमाग ख़राब होता है ना यार, टमाटर का अलग अलग वैरायटी का होता है, यहाँ टमाटर ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, फिर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का ऐसे करके टमाटर लेते हैं। शायद वहाँ पर कुछ मिला।
तो चिकन लेने आ गए हैं, और चलिए मेरे साथ आपको मैं मुर्गी दिखाता हूँ। तो सामान ले लिया है, और चिकन लिया, टमाटर लिया, और अदरक लहसुन और आइसक्रीम है। तो अब चलते हैं घर। और इत्तेफाक से आज लाइट बहुत अच्छा था, इसके वजह से मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन ना लाइट बिल्कुल नहीं मिलता। और ये बच्चे लोग, मैं अपना आइसक्रीम ख़त्म करता हूँ, आइसक्रीम का पिस्ता कुल्फी ख़त्म करता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, और मैं अपना ब्लॉग कहीं पर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज सैयद हाशमी ऑफिशियल। अब बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ आएंगे। सो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो मर्जी है वो करो, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से। बाय, अल्लाह हाफिज़।